शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हमारा वतन अजीज भारत हो, इसमें हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जो डिस्क्रिमिनेटेड मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट वॉइस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसीलिए हम लोग ये जैसा अभी इम्तियाज़ साहब पूरा आपको बोले कि किस किस समाज के लोगों को जो कमज़ोर हैं, जो पिछड़े हैं, उनको हम लोग अपनी पार्टी से टिकट दिए हैं। और हमारा मानना ये है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब होगा तभी जाकर सही मानों में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने हमारे बुजुर्गों ने जो प्रैम्बल में लिखा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये इन चार चीज़ों को जो बाबा साहिब ने हमको दिया कि भाई आप इसको हासिल करो, हम उसको तब हासिल कर सकते, यही हमारा अहदा रहूँगा, मुतमिन नहीं रहूँगा। मेरी जो पॉलिटिकल हंगर है वो बहुत ज़्यादा है और मैं अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहूँगा। ये लड़ाई स्पेस की नहीं है, प्लीज़ आप इसको रिड्यूस मत कर दीजिए इतना ऐसा लफ्ज़ बोलकर। ये जैसा मैंने अभी कहा था कि भी कि ये जो हमारी सियासी पॉलिटिकल लड़ाई है ये रिप्रेजेंटेशन की है, ये हिस्सेदारी की है, ये डेवलपमेंट की है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पेस हासिल करना नहीं है। मुस्लिम थे जिसमें चार दलित थे, फिर 62 में हमने एक असम्बली सीट की थी, फिर सफ़र चलता रहा और 8 सीट आप कह रहे हैं, 119 में 8 सीट है हमारा। यकीनन हमने ओपनली पब्लिक से कहा कि हम TRS की सपोर्ट करेंगे और पार्लियामेंट में उनको कामयाबी मिली, असम्बली में मिली। और हमारे तेलंगाना में आप लोग भूल जाते हैं कि हमारे उस स्टेट में 150 से ज़ायद हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स हैं, एक चेयरमैन हैं। तो ये कहना गलत है कि 8 से क्यों नहीं बढ़ते, बढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपकी दुआ साथ रही, हम मेहनत करेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। जब औरंगाबाद की सीट जीत गए तो हर जगह इंशाल्लाह कोशिश की पॉलिटिशन के लिए कि हमने पूरे मसाइल को हल कर दिए। यकीनन हमारे MLA चाहे इम्तियाज जलील साहब उस वक्त थे होंगे, वारिस साहब हैं, उन्होंने पूरी मेहनत की, जस्तजू की, इखलास के साथ काम किया, बहुत से मसाइल को उन्होंने हल किया, अभी भी मसाइल हैं उसको हल करना है, हम ज़रूर हल करेंगे। और इसीलिए आवाम से कह रहे हैं कि हमने इन 4.5-5 साल में हमने ये काम करवाए, अभी काम होना बाकी है, उसको हम यकीनन टेकअप करेंगे और उसको मुकम्मल। अपने कमज़ोरियों पर बात नहीं करना चाहते, अपने जो वादे उन्होंने किए थे उस पर जो निभा नहीं सके उस पर करना नहीं चाहते। आज अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में 6% हो चुका है, इंडस्ट्रियल आउटपुट महाराष्ट्र में पहले के बनिस्बत कम हो चुका है, महंगाई GST का कलेक्शन कल ही आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि कितना कम हो चुका है। तो ये तमाम मुद्दे जो है जिसका राज ताल्लुक एक गरीब आम हिंदुस्तानी से है उसके ऊपर बात नहीं करके वो 370 के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। टिकट दिए किसी को नहीं मिला तो दिल जलता है, इंसान है, मैं मानता हूँ उस बात को, मगर हम कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है। गुंजन सेठ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, नहीं, आप जर्नलिस्ट रही है, आप कैंडिडेट मत बन जाए। मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ अपोजिशन यूनिटी का, और हमसे सवाल करना गलत है। अब कांग्रेस के NCP के लोग भाग भाग कर चले गए शिवसेना BJP में, तो मेरे से तो पूछ के नहीं गए वो लोग। अगर ज़बानी अगर हम कहेंगे तो शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन आजकल हर चीज़ YouTube के ऊपर अवेलेबल रहती है। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ के जितने भी दूसरे मुस्लिम MLAs है उनको भी एक ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि जो MIM के MLAs मैं रहूँ या वारिस पठान रहे, हम लोगों ने विधानसभा के अंदर रहते हुए जितने मुस्लिम मसाइल के ऊपर हमने सवालात उठाए हैं, चाहे वो वक्फ का इशू हो, मुस्लिम रिजर्वेशन का इशू हो, जॉब्स का इशू हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिन्हें कभी उठाया नहीं गया था, तो हमने 5 सालों के अंदर कितने उठाए और उसका नतीजा क्या हुआ है कि औरंगाबाद के अंदर हमने कई 100 करोड़ रुपए की ज़मीनें वापस लिए हैं, वक्फ की ज़मीनें जो चली गई थी और जिनकी आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमने परसुएशन करके प्राइम वक्फ प्रॉपर्टीज जो है हमने दोबारा वक्फ के हिस्से में लेके आया, और उसके अंदर हमें जोर जबरदस्ती भी जब करनी पड़ी तो हमारे ऊपर केसेस रजिस्टर हुए हैं।
केसेस रजिस्टर हुए और बहुत संगीन तरह के केसेस रजिस्टर हुए हैं, सिर्फ वक्फ की जमीन हम दोबारा वापस लेने के लिए, क्योंकि वक्फ खुद उसके अंदर इन्वॉल्व था कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है धोबी समाज का, महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट है जो हमने रावेर जलगांव से दिया है, पूना में हमने क्रिश्चियन कैंडिडेट को दिया है, वडगांव शेरी के अंदर एससी कैंडिडेट्स है, मुस्लिम कैंडिडेट्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज मजलिस के टिकट के ऊपर खड़े हैं, और हमने वही सीटों को चुना है, सेलेक्ट किया है जहां पर हमारी ताकत है, और हमें पूरा यकीन है कि वहां पर बहुत अच्छे 52 कैंडिडेट्स पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजलिस ने उतारी है।